हेलो, मेरा नाम है मोहम्मद इनायत मैं मोहम्मद शाविस। और आज थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, पता है कि बहुत दिनों से हम यहाँ पे नहीं आए इस चैनल पे, क्योंकि हम मसरूफियात में मसरूफ थे। लेकिन अभी हम वापस आए हैं, क्विक रिव्यू करने के लिए आए हैं। RRR मूवी रिलीज हुई है, हमने पहला शो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लिया है। और हमने ये देखा ऑनिक्स सिनेमा में, जो कि इंडिया का सबसे बड़ी LED स्क्रीन है। और यहाँ पे हुआ था एक सुपर प्रीमियर, यहाँ पे उन्होंने होल्ड किया था, पेड प्रीमियर था, बहुत ज़्यादा टिकट प्राइसेस थे उसके। हमने उसको देखा मूवी को, और हमारा ये क्विक रिव्यू होगा। ये तो शाविस शुरू करेंगे। या सो 12 बजे का शो था हमारा 25th की नाइट में, मतलब कि एक दिन पहले, एक रात को समझ लो, 24th की रात को समझ जाओ। अब बज रहे हैं पाँच बजे। सो इसीलिए हम लोग ऐसी हालत में भी नहीं है कि बैठ के हम लोग इसका पूरा डिस्कशन करें, बिकॉज ये फिल्म कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो चुके 5-6 मिनट में इसके बारे में बात करके खत्म कर दें। हम लोग ये फिल्म फिर से कल देखने वाले हैं, उसके बाद हम इसका एक स्पॉइलर रिव्यू बनाएंगे, जहां पर हम लोग इसके बारे में ज्यादातर तरीके से बात करेंगे और बहुत सारी चीजें इसमें बात करने के लायक ही है भी। बट अभी हम लोग रह नहीं पाए, वेट नहीं कर पाए कि आप लोगों से हमारी एक्सपीरियंस कैसे शेयर करें। एंड या आई थिंक 1.5 महीना हो गया हमें फिर से वापस गए हुए, जैसे कि आप लोग हमेशा कहते हो कि आप बस आते हो और फिर हजम हो जाते हो, इसलिए आप लोगों के ऊपर कभी भरोसा नहीं। बट या कोशिश करेंगे कि वापस आए। बट आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया की एक ऐसी फिल्म जो कि शायद अभी तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कभी बनी नहीं है, और शायद अगले 10-15 साल तक राजामौली के अलावा कोई इसे बना नहीं सकता। एग्जैक्टली, आई थिंक राजामौली सर इज द ओनली वन इंडियन फिल्म मेकर राइट नाउ जो कि ऐसा मैजिक क्रिएट कर सकते। एंड आई मस्ट से कि सिर्फ वाह वाह ही निकली है हमारी फिल्म में उसके बाद भी। और अभी इट्स अ फीलिंग लाइक हमने वो पहले वो हॉलीवुड की फिल्में देखते थे, तो यार फीलिंग आती थी यार हॉलीवुड की फिल्में, यार हम लोग कब बनाएंगे ऐसी फिल्में। आज मैं बोल सकता हूँ बस ये फिल्म टक्कर दे सकती है हॉलीवुड को। टक्कर यहाँ पे बोल सकता हूँ कि देखिए, ये मूवी हॉलीवुड को टक्कर देना इज अ गुड थिंग, बट यहाँ पे एक अपना एक खुद का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है इन्होंने। क्योंकि हॉलीवुड मूवी में कहीं ना कहीं इमोशंस होते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं वो एक फॉरेन इमोशंस लगते हैं हमको। हाँ, कि किसी और के इमोशंस हम फील कर रहे हैं, लेकिन ऐसे इमोशंस जो कि हम अपने इमोशंस उस लेवल पर फील करें, तो वो काम राजमौली ने कर दिया। स्टोरी बहुत ही सिंपल है। एक गोंडा ट्राइब है, उसमें एक बंदा है और जो कि अंग्रेजों को बहुत तंग कर रहा है, और एक है एक पुलिस अफसर, ब्रिटिश पुलिस का, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक पुलिस ऑफिसर है। तो ये दोनों हैं, दोनों अलग अलग कैरेक्टर हैं, कभी एक दूसरे से मिले नहीं है, लेकिन इन दोनों के अपने अपने मकसद हैं। ये अपने अपने मकसद से वो कुछ करते हैं, उन किस्मत से वो मुलाकात होती है उनकी, और उसके बाद जो होता है व्हाट अनफोल्ड्स लेटर इज द स्टोरी। इस मकसद के बारे में और बाद में क्या होगा ये हम लोग कल जरूर बात करेंगे। अभी भी बात कर सकते हैं, लेकिन स्पॉइलर थोड़ा हो जाएगा, अभी आप देख लेंगे अभी। तो सबसे पहली बात तो मैं बोल सकता हूँ कि राजामौली ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही एक्सेप्शनल काम किया है। इनके कोई टक्कर में आएगा नहीं अगले, जैसे कि उन्होंने कहा 10-15 साल तक कोई करेगा नहीं। और इन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। और बेसिकली क्या था कि जब मूवी रिलीज होने से पहले, हम जब सिनेमा शुरू हुआ, जब हमारी सूर्यवंश से पहली पिक्चर स्टार्ट हुई थी हमारी पोस्ट लॉकडाउन हमारा, तब उन्होंने दिखा रहा था कि ब्रिंगिंग बैक द इंडियन, द ग्लोरी ऑफ इंडियन सिनेमा, इट वॉज रॉन्ग। It is re-establishing the Indian glory of Indian cinema. Yes. What Rajamouli sir has done, उन्होंने क्या किया है कि दोबारा से एक define कर दिया कि picture कैसे बनाते हैं। बाहुबली वगैरह इसके सामने बहुत छोटे लगते हैं कहीं ना कहीं, ये बहुत बड़ी लगती है यहाँ पे visual में, story में, emotions में, और acting में क्या बोले भाई, तारक। I must say these guys, इन्होंने नहीं, ये फिल्म से कोई हिस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए नहीं कही है। ये फिल्म के सारे एक्टर्स, इसके डायरेक्टर और हर एक किरदार खुद अपने आप में एक हिस्ट्री बन चुका है। एग्जैक्टली, एवरी कैरेक्टर, आई थिंक जो एक्टर्स इसके लीड एक्टर्स हैं, चाहे वो तारक हमारे जूनियर एंडियन हो, चाहे रामचरण हो, या फिर छोटे से रोल में हमारे अजय देवगन हो, या फिर आलिया भट्ट, आलिया, ऑल दिस एक्टर्स, सालों तक इन लोगों को याद किया जाएगा RRR की वजह से। आई थिंक राजामौली को हमेशा, राजामौली की बहुत सारी ऐसी पहली की फिल्में हैं जैसे कि मगधीरा, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो कि राजामौली की फिल्मों के बारे में बात की नहीं जाती, तो उन्हें जाना जाता है सिर्फ बाहुबली और बाहुबली 2 के लिए। Exactly. लेकिन इस फिल्म के बाद नहीं, वो बाहुबली को ही भूल जाएंगे। एग्जैक्टली। और हम जब बड़े हुए थे तो हमको एक नाम बहुत सुनने को मिला था, मुझे जूनियर NTR बोल के। Yes. हम सब कोलार में थे, यहाँ पे तेलुगु फिल्म बहुत ज्यादा होती थी रिलीज, और हम सुनते थे कि सिम्हाद्री आई है, NTR, जूनियर NTR है ऐसे। आज हमने उनका मैजिक देखा, और इंडिया देखेगा NTR को एक पैन इंडिया स्टार
एस्टैब्लिश होते हुए, क्योंकि व्हाट हैपेंस दैट कि फर्स्ट हाफ इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू एनटीआर, जहां पे कहीं ना कहीं रामचरण को एक विलन के तौर पर दिखाया गया है, ऐसे दिखाया गया है. इनफैक्ट जब आप इंटरवल में होते हो तो यू विल स्टार्ट हेटिंग रामचरण कि भाई कैसे हो सकता है, कितना गंदा काम किया, क्यों कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो. यू द वे यू स्टार्ट एम्पथाइजिंग फॉर एनटीआर इज अमेजिंग फर्स्ट हाफ में. उसके बाद इंटरव्यू के बाद जो ट्विस्ट आता है यहाँ पे कि मतलब कैसे इन्होंने, ऐसा नहीं कि जो जो हीरो है वो विलन बन गया, जिन्होंने ऐसा ट्विस्ट नहीं है. इट जस्ट दैट कि यार हमने जिसको हेट किया वो बंदा, तो हमने गलत हेट किया इसको. हाँ. और लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि क्यों एनटीआर ने ही स्टोल द शो एंटायरली, बिकॉज व्हेन द इन द फर्स्ट हाफ यू स्टार्ट एम्पथाइजिंग फॉर हिम अ लॉट. बहुत ज्यादा उनकी आंखें, उनका वो है ना चेहरे के माथे का वो जो फेस का जो शिवर है, वो शिवर और उनका जो मैनरिज्म है, वो जो भोलापन है कि उनको नहीं पता, वो एक अनपढ़ है, उनको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता. यहाँ हालांकि रामचरण पढ़े लिखे, इंग्लिश बात करने वाले एक अच्छे यहाँ पे, उस वजह से क्या होता है कि तुमको एक कनेक्शन बन जाता है. लेकिन बट द टाइम यू कम टू द सेकंड हाफ, जब सेकंड हाफ में क्या होता है कि व्हेन राजामौली सर हैज एक्चुअली ट्राइड टू गिव मोर पावर टू रामचरण्स कैरेक्टर, बट बाय देन वंस एनटीआर हैज वन ओवर योर हार्ट, योर माइंड एंड सोल, उसके बाद रामचरण क्या होता है कि अच्छा लगता है, यू विल विसल, बट द वन हु स्टेज विद यू टिल द एंड इज एनटीआर. अ सैल्यूट, अ मास सैल्यूट टू तारक सर. एनटीआर सर यार कमाल कर दिया, यार कमाल कर दिया आपने. एंड कंप्लीटली रामचरण ने भी बहुत ही बेहतरीन काम किया है, बेहतरीन काम. और रामायण से जो रिलेवेंस किया है इन्होंने, शायद ही ज्यादा कुछ नहीं किया, नथिंग मोर डीप कुछ नहीं गए वहां पे रामायण में, उन्होंने कुछ उसका स्टोरी नहीं सुनाई. इट जस्ट दैट कि उन्होंने उसके एक कॉन्सेप्ट को लेके वहां पे ऐसे ब्लेंड कर दिया कि अपने आप में वो कहानी हो गई है. हालांकि उस कहानी में एनटीआर जो है वो बोल सकते हैं कि हनुमान का जो एक रोल होता है वो प्ले उसका एक रिलेवेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो सुपीरियर दिखते हैं यहाँ पे. और जहां तक कि राम को जो जिस तरह से उन्होंने उस कैरेक्टर को मॉडिफाई किया एज राम का, जो उन्होंने एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन था वो रामा का, तो वहाँ पे उन्होंने जो जिस तरह से उसको लाया वहाँ पे, दैट वॉज अमेजिंग. एंड कहीं ना कहीं भी हमको वहाँ पे लगा नहीं कि यार ये ज़्यादा कुछ नहीं, वेरी वेरी फाइनली वेल निटेड सीन्स. स्टार्टिंग से लेके 3 घंटे की मूवी, 1 घंटे का भी बोर नहीं, 1 मिनट का भी, 1 सेकेंड का भी बोर नहीं, ग्लूड टू द स्क्रीन ऐसे ही यार. अब क्या होगा, आप सारा थिएटर पागल हो रहा है, ताली मार कुछ कुछ कर रहा है. मैं कुछ क्लिप्स इसके स्टार्टिंग के जो थिएटर में एंटर करने से पहले जो हम लोगों ने देखा वहां पर, वो मैं आपको थोड़ा बीच में डाल दूंगा, थिएटर के नहीं डालूंगा डेफिनेटली, उसके लिए कॉपीराइट हो जाएगा. वहां पर आप सिर्फ क्रेज देखिए एक एक्टर का. रात के 12 बजे लोग आए हैं थिएटर को देखने के लिए फिल्म, और क्या क्रेज, क्या एनर्जी थी. और वो एनर्जी लास्ट में जो यू नो हम लोग एग्जिट कर रहे थे वहां तक भी लोगों की खत्म नहीं हुई. ये फिल्म 3 घंटे, यू नो आई थिंक 3 घंटे एक रन टाइम एक फिल्म का देखने के बाद, यार 3 घंटे की फिल्म है यार, कैसे मैनेज कैसे होगा यार. यू नो 2 घंटे 2.5 मिनट की फिल्म, 2.5 आवर की भी फिल्म होना है तो यार 2.5 घंटे की फिल्म है यार. यू नो मैं भी जो मैं फिल्म को सोच रहा था 3 घंटे, इन्होंने मुझे टिकट बुक करने के बाद बोला था कि 3 घंटे की फिल्म है भाई, हमें शॉर्ट टाइम में बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो मैं सोच रहा था यार 3 घंटे की फिल्म है यार, क्या होगा यार, क्या सच में एक्सपीरियंस कैसा होगा. लेकिन ये 3 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं, पता ही नहीं. स्टार्टिंग के जो यू नो जो उसके क्रेडिट्स शुरू होते हैं सर, उसके वहां पर ही मैं सिर्फ बैठ के यू नो शांत बैठा था. एग्जैक्टली जैसे ही वहां पर आता है नाम डायरेक्टेड बाय राजामौली राजामौली, उसके बाद जो शुरू होता है बॉस, उसके बाद 1 सेकंड के लिए स्क्रीन पे से नजर नहीं हटी. यू नो हम लोगों ने ये फिल्म देखी तेलुगु में, और यहाँ पर हम लोग समझ के गए थे कि तेलुगु विथ इंग्लिश सबटाइटल्स होगी, बट अनफॉर्चुनेटली इसके फर्स्ट हाफ में हमें सबटाइटल्स मिले नहीं, जो कि हमें सेकेंड हाफ में मिल गए. फर्स्ट हाफ में हम लोग सिर्फ तुक्के में फिल्म देख रहे थे कि ये हो रहा है, ऐसे बोल रहे हैं, ये डायलॉग रहे, लेकिन तब भी क्या लग रहे थे वो, यू नो जो फीलिंग, जो बोलना चाहते हैं, जो इमोशंस वो कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं फिल्म से, वो हमें कन्वर्ट हो रही थी लैंग्वेज का प्रॉब्लम होने के बावजूद.
एंड दिस इज द रीजन हम लोग फिल्म कल फिर से देख रहे हैं कि इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ हो, और डेफिनेटली एक्सपीरियंस करने के लिए फिल्म उतने यू नो इतने बड़ी लेवल पर डॉल्बी एटमॉस में देख रहे हैं हम। हाँ, डॉल्बी एटमॉस में इसको रेंडर किया गया है, ऑडियो को, ऑडियो को इमर्सिव ऑडियो होता है वो, उसमें हम देख रहे हैं। आज सिर्फ हमारा एक फैन मोमेंट था फिल्म को देखने के लिए, बट शाबाश कल हम लोग यू नो उसको एक फिल्म की तरह जिएंगे, मतलब फिल्म को एक टेक्निकली चीजों में देखेंगे। या हम लोग कभी कंप्लेंट नहीं कर सकते कोई, हम लोग इतने बड़े है भी नहीं कि हम लोग बैठ के बोले कि नहीं ये गलत था ये नहीं था, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट वी विल टॉक अबाउट दिस, बट आज का जो फीलिंग है ना बॉस, वो शायद वंस इन अ लाइफ टाइम है, कभी शायद अगले कभी आई डोंट नो कि एक्सपीरियंस कब होगा। Exactly. मैंने लास्ट टाइम अगर हिंदी की बात करें तो जहां तक मुझे याद है रंगदे बसंती एक, और मैं बोल सकता हूँ लगान जब हम बहुत छोटे थे घर में देखे थे टीवी तब देखा था वो, ऐसा एक इंडियन मूवी के लिए क्रेज। हाँ एवेंजर्स में देखा था हमने, एंडगेम में हम लोगों ने देखा था, लेकिन वो हॉलीवुड वो पराया है भाई, वो अपने नहीं थे वो। लेकिन यहाँ पे जो अपने लोग हैं, जो अपने लोगों ने क्रिएट किया है इसको देख के जो एडल रश हुआ जो था अमेजिंग था। अगर फिल्म की अगर थोड़ी सी एक ग्लिम्स दे दें आपको तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको शूट किया गया है, लोकेशन अमेजिंग है, सिनेमाटोग्राफी एकदम टॉप नॉच है, और जिस स्क्रीन पर हमने देखी थी वो एक लार्जेस्ट एलईडी स्क्रीन है जो कि इंडिया में ऑनिंग्स बोल के, तो ओनली स्क्रीन ओनली स्क्रीन है यहाँ पे, और दिस द बेस्ट स्क्रीन टू वॉच विजुअली। अगर आप ऑडियो की अगर जेबीएल का ऑडियो है अगर आपको साइड में रखें आप, तो विजुअली दिस द बेस्ट स्क्रीन यहाँ पे। तो इनफैक्ट हम बोल सकते हैं कि आईमैक्स एक बेहतर एक्सपीरियंस था वहाँ पे उस स्क्रीन में, तो जो ब्लैक्स था ब्लैक कॉन्ट्रास्ट जो रेट होता है वो इट इज अमेजिंग। तो अगर पिक्चर की मूवी की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि रिलेवेंस जो किया है वाटर और फायर से, और जो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, और एग्जैक्टली जब पानी और आंख मिलती है तो क्या होता है, और इनका मेल जितना ये ऑपोजिट है उतने मेल भी खाते हैं ये, और दोस्ती को इन्होंने जो सेलिब्रेट किया है दोस्ती को इन्होंने बहुत बेहतरीन तरह से सेलिब्रेट किया है। जो इनका टाइटल है आरआरआर, जिस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया है, यू नो लोग जब फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था तो आरआरआर क्या है नाम, बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे थे, तो उन्होंने बस वो राइस रिवॉल्ट एंड रेज करके उन्होंने डाल दिया, लेकिन एक्चुअल मीनिंग वो लोग यू नो पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ किताब खोल कर 20 मिनट आपको सिर्फ आरआरआर एक्सप्लेन करने में ले लेंगे वो, यू नो फाइनली आपको देखने को मिलेगा आरआरआर और तब आपको पता चलेगा। और इस जब इसका ट्रेलर आया था तो ट्रेलर रिएक्शन हम लोगों ने किया था हमारे पुराने चैनल में, अरे हाँ यार दोस्ती का भी किया था। हाँ, दोस्ती का भी किया था, ट्रेलर रिएक्शन किया था, तो ट्रेलर रिएक्शन में हम लोगों ने यू नो बहुत तारीफ की थी इस फिल्म के ट्रेलर के बारे में, और बहुत सारे सीन्स जो कि यू नो वो जो फ्लिप करते हैं सीन, exactly. उसका जो मोटरसाइकिल का सीन है, तो हम लोगों ने उसके बारे में तारीफ की, बिकॉज इट्स अ मसाला एंटरटेनर फिल्म, तो हमें लगा कि भाई इसको इसी तरीके से देखते हैं। तो कमेंट्स में लोग बहुत सारे बोलने लगे यार क्या इसको तारीफ कर रहे हो आप, ये कितना बकवास है, कितना ओवर द टॉप है, ये प्रॉपर साउथ मसाला टाइप की बन रही है। लेकिन भाई आप ये फिल्म देख लो, देखो क्यों होता है, क्यों होता है वो, अगर वो फ्लिप करते हैं तो क्यों फ्लिप करते हैं, क्यों फ्लिप करते हैं, किस वजह से, क्या रीजन था फ्लिप करने का, ये अगर देखोगे तो रोदोगे यार, दैट इज द वर्थ क्राइंग एक्सपीरियंस था वो। और बेस्ट सीन्स अगर बात करेंगे तो फटाफट से मैं बोल दूंगा, पहला वाला सीन जब वो मीट होते हैं, जब वो उसको वेव करता है हाय बोल, वो प्रे बाप अख्तर का जो कैरेक्टर प्ले किया उन्होंने एनटीआर ने, अमेजिंग कैरेक्टर वो प्ले किया था उन्होंने वहां पे, वो एक पहले सीन है उसके, वो आइकॉनिक सीन है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, इंडियन सिनेमा में, यू नो जस्ट मैं सीन देख रहा है, सॉरी फॉर, जब वो सीन देख रहा था ना तो मैं सोच रहा था कि हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि जय वीरू की बात exactly. ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं कि जिनको सेलिब्रेट किया जाता है आज भी, लेकिन ये ऐसे कैरेक्टर्स बन चुके हैं जो कि शोले के जो कैरेक्टर्स है ना वैसे सेलिब्रेट किया जाएगा अगले 100 साल के अगले। हाँ आराम से अपने अपने बच्चे भी सेलिब्रेट करेंगे, बिकॉज चाहे वो वेव सीन हो या चाहे वो जब वो राइड करते हैं बाइक और वो हॉर्स वो सीन हो, या फिर वो जो उनका हाथ मिलने का सीन हो, हर सीन, और वो हाथ क्यों मिलते हैं, क्यों मिलते हैं वो, क्यों ऐसे क्यों हैंडशेक हो, बहुत लोगों ने बोला क्या ये तो अर्तुरुल का स्टाइल है ये वगैरह वगैरह, क्या है ये, नहीं क्यों मिलते हैं वो, किस वजह से वो वैसा हैंडशेक हुआ उनका, दैट इज अमेजिंग। और अब दूसरा वाला अगर मैं सीन की बात करूं तो इंटरवल से पहले की सीन जहां पे एनटीआर को बेसिकली क्या होता है कि स्टोरी बोल देंगे नहीं स्टोरी नहीं बोल सकते, बेसिकली क्या होता है कि एनटीआर को एकदम से सिंपथाइज किया जाता है वहां पे, बहुत ज्यादा सिंपथी वो ये करते हैं इसको एनटीआर को, वहां पे बेसिकली होता है क्या है कि एग्जैक्टली क्या होता है यार ना देखा वहां पे, हाँ एनटीआर क्या होता है वो इंटरव्यू से इंटरवल से पहले NTR is trying to do something, something. जो कि वो बहुत वक्त से सोच रहे थे, सोच रहे थे, बहुत बड़ा फेल होते हैं वो, फेल होते ही फेल्स देयर, और जिस तरीके से वो फाइट होती है सीन वहां पे, और जिस तरीके से उनको दबाया जाता है NTR को,
तो वो एक सीन अच्छी थी। और आखिरी सीन जब एनटीआर को रियलाइज होता है कि यार मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने तो किससे मैं नफरत कर रहा था, मैं क्यों हो रहा था, वो जो रियलाइजेशन के बाद जो होता है जब वो उनको देखते हैं, उनको तुझे कैसे पता चला ये कि हाउ डिड यू कम टू नो कि मेरी रियलिटी, वो बोलता है ऐसे, अरे बाप रे क्या रोना आता है यार वहां पे। एंड द क्लाइमैक्स वाज अमेजिंग अमेजिंग वेरी वेल शॉट। फॉरगॉट वन थिंग, एक गाना नाटो नाटो बोलो या नाचो नाचो बोलो, अदर अलग अलग लैंग्वेज में वो गाना भाई गूज़बम्प्स। आई थिंक मैंने ट्वीट भी किया गाने के बारे में वो, कि हम लोगों ने यहाँ पर 800 रुपया देखे और फिल्म देखी, हमारा जो शो इंडियन रुपीज में 800 रुपए, जो कि हम लोगों ने जो सबसे लो क्लास का था 800 ही था, 800 ही था। सो सिल्वर में हम लोगों ने देखी, क्योंकि उसकी बड़ी वाली 2000 इंडियन रुपीज में। आप एक लॉग, क्योंकि हमारी ऑडियंस इंडियन ऑडियंस भी है बाहर की, तो आप समझ जाओ हम लोगों ने देखी, तो मैं बोल सकता हूँ कि सिर्फ वो गाने के लिए वो पैसे वसूल हो गए, 800 रुपए वहीं दे दिए। जो बाकी की फिल्म थी ना, वो राजमौली सर, रामचरण, तारक सर, इन सबके तरफ से हमारे लिए वो बोनस था, बोनस था। एग्जैक्टली, इज बोनस हम लोगों के लिए है, वो सिर्फ गाना ही पैसा वसूल था। और हम कल जो पिक्चर देखने जा रहे हैं जहाँ पे मल्टीप्लेक्स में, वो है 236 रुपीज की अंदर टिकट दी थी, उसमें मुझे डिस्काउंट मिल गया। ये वाला लोग बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पर हम लोग एक हफ्ते से वेट कर रहे हैं इसकी बुकिंग के लिए, आज आधे घंटे में हम लोग वेट कर रहे थे, 5 मिनट यहाँ पर ओपन ही नहीं हुआ बुकिंग्स, पूरे ऑल ओवर इंडिया ओपन हो गए, लेकिन बैंगलोर का बिजनेस उनको बहुत, यू नो, बैंगलोर में डिमांड ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ओपन हुए थे सिंगल स्क्रीन। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि जैसे ही यू नो कोई भी मल्टीप्लेक्स ओपन होगी हम लोग पहले बुक कर लेंगे, लेकिन हमारे दिमाग में 4 थिएटर्स। जैसे ही ओपन हुई मैं तो सो रहा था, इन्होंने बुक कर दी, जो कि 250 रुपए की एक टिकट थी, 236 रुपीज की, 240 रुपए की इन्होंने बुक कर दी। तो हम लोग चलो सैटिस्फाई हो गए, ये हो गया भाई अपना। तो सडनली हमें पता चला कि एक प्री रिलीज इवेंट हो रहा है यहाँ पर, एक प्री रिलीज शो है जो कि 12:15 रात के है, और उसकी टिकट थे 800 रुपया। हम लोगों ने वो भी खरीदी, वो 2000 तक गई भाई, वो तो 2000 रुपया तक थी। वर्थ है। आपको, आप इंडियन ऑडियंस नहीं हो तो आपको बोल दूं कि यहाँ पर कोई भी फिल्म के लिए मैक्सिमम हम लोग दे सकते हैं तो 300 रुपया, 350 रुपया चला गया, 350 लास्ट, 350 इतना देखे हैं। पहली बार हम लोगों ने 800 देखे, आईमैक्स का छोड़ दो, आईमैक्स हमने अलग बात है, नॉर्मल 2D पिक्चर को हम लोगों ने 350 शायद मैक्स दिए, वो भी कौन से जमाने में, 2014-15 में, जब कोई भी बड़ी बड़ी फिल्म डिमांड में आती। Exactly. वो बड़े बड़े स्टार्स की, जैसे कि कोई सलमान एक्सप्रेस आ गई, तो वैसी फिल्मों को, लेकिन इस फिल्म को देने के लिए वर्थ था। और आई मस्ट से कि वो सिर्फ एक गाने ने ना हम लोगों ने इतना वो, एंड व्हाई वो गाना क्या एस्टैब्लिश कर, ऐसा नहीं कि ऐसे ही गाना हो रहा है, ऐसे दैट्स नॉट हैपनिंग, इट्स लाइक कुछ एस्टैब्लिश करते हैं वहां पे वो, कि क्यों वो नाच रहे हैं, क्यों इतनी इंटेंसिटी से नाच रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, पूरी फिल्म के हर एक सीन को उन्होंने क्यों हो रहा है हमें पता चल गया। और द बेस्ट इसलिए हो रहा है, देयर इज नथिंग कि कोई भी आ गया और कुछ भी ऐसे ही हो गया, नहीं कुछ नहीं हो। अगर आलिया की अगर बात करें ना, आलिया की बात करें तो कैरेक्टर उतना कुछ करने के लिए था नहीं आलिया को, एक छोटी सीन थी, एक टर्निंग पॉइंट था आलिया लेके आई वहां पे, तो वहां पे अच्छा लगा। ऐसा नहीं कि कुछ बेहतरीन किया है, ऐसा नहीं, द कैरेक्टर हैज द पावर, आलिया नहीं, द कैरेक्टर हैज द पावर एंड शी प्लेड इट, I can say, yeah, good. I can say कि आलिया और अजय देवगन का कैरेक्टर ऐसा है जो कि शायद कोई भी प्ले कर सकता था। Exactly. बड़े स्टार की जरूरत नहीं थी, लेकिन वहां पर उन्हें यूज किया गया, तो या डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग। बट या इन लोगों का एक्सटेंडेड कैमियो बोले, आई थिंक बॉलीवुड को भी ये लोग हिंदी में प्रेजेंट कर रहे थे, तो वो क्या करना चाहिए था उनको, अट्रैक्शन क्राउड पुलर चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आलिया और अजय देवगन के अलावा कोई और भी होता तो वो कैरेक्टर इतने पावरफुल है कि अगर अच्छा एक्टर वो यू नो करता तो बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाता वो। अच्छा, हाउ गुड यू आन श्रेया यार, द गर्ल, या नो द श्रेया, आई नो अजय देवगन, अजय देवगन की वाइफ, हां, अमेजिंग जॉब, वेरी लिटिल स्पेस, 4 to 5 minutes, क्लीन, प्रीटी क्लीन, हर टीयर्स, एंड व्हेन ही सेज ना कि वो डायलॉग बोल रहे, एक डायलॉग थोड़ा सा बोलने के, वो इतना बोलते हैं कि मैं अपने आप में एक बैटल हूं, बट मेरा आधा हिस्सा तुम हो, यू आर हाफ माई पार्ट, वो बोलते हैं, वो एक आंसू निकलता है वो, जो टाइमिंग पे निकलता है वो, एंड दैट इज लाइक अमेजिंग गूज़बम्प स्क्रीन वो वाला। और उसी के ठीक बाद और एक सीन है जहां पर कुछ ऐसा होता है जहां पर सबकी सांस निकल जाती है, और उस सीन में आई थिंक वो हम लोग कल बात करेंगे उस सीन के बारे में। तो अजय देवगन और उनका बेटा, यू नो, उस सीन में अगर कोई भी होता तो शायद
अच्छे से अच्छा यू नो स्ट्रांग बंदा ही बैठे तो रो दे वहां पर, उस तरीके की सीन क्रिएट की गई। सीन के बारे में हम कल बात जरूर करेंगे। जैसे ही कुछ होता है वहां पर तो उनके लिए वहां पर वो इमोशन से बढ़ के उनका जो यू नो गोल है, जो उनकी जो वो जो किस लिए मोटिव है, जो जिसके लिए वो इतना सब कर रहे हैं, उसको जो इम्पोर्टेंस दे के अपने बेटे को एक सीख देते हैं, वो सीख एक्चुअली बहुत मायने रखती है फिल्म में, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जो भी होता है उसी सीख के वजह से ही होता है वो। सो यू नो यू अंडरस्टूड नहीं completely, वहां पर उन्होंने इमोशन से बढ़ के अपने गोल को जो इम्पोर्टेंस दी वही रामचरण करते हैं फर्स्ट हाफ। एग्जैक्टली। सो या There is much to talk about this. हम लोग शायद कल एक आधे घंटे का वीडियो आधे घंटे का आराम से बनाएंगे। Definitely बनाएंगे। And for now, the final words मुझसे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि load your applications, booking applications, and aim at your favorite screen theater and shoot yourself inside the screen. Number one. और एक है कि there is going to be a fire in the cinema hall which will leave you from watery eyes. Yes, relevance samajh mein aayega, samajh mein aayega, ab film dekh lo samajh mein aa jayega. And yeah, this was an amazing experience guys. I think abhi hum log ki halat mein hamari face aap log dekh lo, apni halat dekho, fir savere jana hai bhai. Ha savere jana, abhi waqt bhi nahi hai, abhi edit karke dalna hi padega. And yeah, this was an amazing experience. Definitely, I loved it. He loved it. इस फिल्म को हम लोग कोई रेटिंग नहीं देंगे, this was just quick review with a long video actually बन गया ये। 25 minutes का बन गया। 20 minutes का बन गया। Sorry for that. But yeah, कल आएंगे और बड़े वीडियो के साथ जहाँ पर हम लोग, आप लोग भी फिल्म देख लो। And you know there was talking, एक बात चल रही थी पूरे इंडिया में कि ये फिल्म उतना नहीं कमाएगी, फिल्म नहीं करेगी, बिजनेस नहीं करेगी, बहुत सारी स्लो चल रही है। दो दिन जाने दो, ये फाड़ दे, ये दो दिन फैंस देखेंगे, फैंस रिकॉर्ड सारे तोड़ेंगे, लेकिन उसके बाद जो पब्लिक कूदेगी ना फिल्म में, पहले बोलते थे कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला, अभी बोलेंगे एनटीआर झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला, सो एनटीआर कभी झुकेगा नहीं, क्यों नहीं झुकेगा ये भी बोलते हैं, इसमें भी एक रीजन है, इवन दैट इज वन या एक है कुछ वहां पे, क्यों नहीं झुकेगा एनटीआर, देख लो वहां पे बोल रहे थे, वहां पे बोल रहे थे पूरे वहां पे, तो या अमेजिंग, या अमेजिंग अमेजिंग। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट, एंड दिस गोना बी कमिंग इन टू अदर डिफरेंट चैनल्स, जो कि हमारा पाकिस्तानी कंटेंट का चैनल है वो, और एक हम लोग इंडियन कंटेंट के लिए प्लान कर रहे हैं चैनल, वहां पर मैं अपलोड करूंगा ये। सो आप लोग जहां से भी देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल रिंग करो, और हमें दोनों को फॉलो करो इंस्टाग्राम में, जिसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं। एंड कम बैक टुमारो फॉर अनदर अ वेरी बिग एंड अमेजिंग वीडियो। दिस इज मोहम्मद शाविस, मोहम्मद इनायत, एंड सैल्यूट टू राजमौली, सैल्यूट to Ram Charan sir, salute to Tarak, NTR, I love you Telugu industry, I love Indian cinema, goodbye. Goodbye.